फूलपुर और गोरखपुर के बाद कैराना के चुनावी नतीजों ने भी विपक्ष को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। आइए समझते हैं वो पांच कारण जिनके चलते बीजेपी पर भारी पड़ा महागठबंधन। कैराना में विपक्षी पार्टियों ने न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार किया बल्कि रणनीतिक रूप से प्रत्याशी का चयन भी किया। यहां आरएलडी के टिकट पर एसपी की नेता तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाया गया जिन्हें कांग्रेस और बीएसपी ने अपना समर्थन दिया। कैराना चुनाव से पहले ही अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा उठाया गया। माना गया कि इसका मकसद वोटों का ध्रुवीकरण करना है लेकिन चुनाव में ये मुद्दा न बन सका। विपक्ष ने उल्टे इसे जिन्ना वर्सेस गन्ना की लड़ाई करार दे दिया। 2014 में बीजेपी प्रत्याशी हुकुम सिंह को यहां से करीब 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल हुई थी। पार्टी को उम्मीद थी कि महागठबंधन का प्रत्याशी मुस्लिम होने की वजह से हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा उसे मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। निर्दलीय प्रत्याशी और तबस्सुम के देवर कंवर हसन ने अपनी भाभी को समर्थन देने का ऐलान करते हुए पर्चा वापस ले लिया था। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को खुलकर वोट दिया था लेकिन उपचुनाव में जाट मतदाताओं का रुझान आरएलडी की तरफ रहा। दलित और मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ जुड़ गए जो आम तौर पर कभी नहीं होता। ऐसे में महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हो गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।